मेरा नाम मोहम्मद आसिफ नवाज है, पुस्तनी। हम लोग बुनकर हैं। पूरे हिंदुस्तान में फेमस के बनारस में बुनकर का काम होता है, साड़ी बनाने का काम होता है। हमारा मुख्य काम यही है, अगर ये हमारा चलता है तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से चलता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। अगर ये रुकता है तो हमारी ज़िंदगी में समझो तो बहुत दिक्कत ही दिक्कत हो जाता है। बनारस के इन हुनरमंद जुलाहों के कारोबार ने पिछले कुछ सालों में बड़ी करवट ली है। हैंडलूम घटे और पावर लूम्स का चलन बढ़ा, लेकिन ये बदलाव अपने साथ चुनौतियां लेकर आया। जब हमने देखा कि लोग बाग पावर लूम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, उसका एक कारण ये था कि पावर पूरी नहीं मिल पा रही थी। तो पावर लूम को चलाने के लिए जो बिजली की जरूरत है, वो बिजली नहीं मिल पा रही थी। फिर 2017 में इन सोलर पैनलों ने जुलाहों के कारोबार से लेकर उनकी निजी जिंदगी तक सब कुछ बदल दिया। देखिए, पहले क्या होता था, पहले बिजली थोड़ा कम देती थी, लाइट ज़्यादा कट होता था, सोलर सिस्टम था नहीं, तो कारीगर बैठे रहते थे। अब क्या है, सोलर सिस्टम आ गया है और जिससे लाइट कट हो रही है, लाइट आ रहा है, तो हमारी मशीन चल रही है। और जो जो 12 घंटे में एक साड़ी हमारी पूछी थी, लाइट कट होने में से एक साड़ी पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो एक साड़ी से पूरा हो जाती है, प्लस 2-3 मीटर हमारी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन बढ़ जाने से कारीगर के भी अपना मजदूरी बढ़ जाता है, हम लोग का भी इनकम सोर्स बढ़ जाता है। CSR फंड के तहत हमने फंड का इंतजाम किया और इंडस टावर इसमें फंड देने के लिए तैयार हुआ। तो अभी हमने 315 लोगों के यहाँ इस तरह के सिस्टम लगाए जिसमें हाइब्रिड सोलर चार्जिंग स्टेशन है, और हर उसमें से लगभग 4 बुनकरों को फायदा हो रहा है। तो 1200 से ज़्यादा बुनकर जो है इससे लाभान्वित हो चुके हैं। आर्थिक रूप से देखेंगे लगभग 30% की आमदनी उनकी महीने की बढ़ गई है। अब बेरोकटोक पावर बैकअप मिलने से इन बुनकरों को अपना प्रोडक्ट खराब होने की फिक्र नहीं रही। काम की क्वालिटी ये कि जो हमारा ताना बाना है ये टूटने से गाट पड़ती थी, इसमें प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता था, अब वो भी बेहतर है। एक साड़ी में करीब करीब 500 रुपये बुनकर को मिलता है, लेकिन वो 500 रुपये एक दिन में नहीं कमा पाता था, क्योंकि उसको पूरी बिजली नहीं मिलती थी, उसको सवा दिन लग जाते थे या फिर रात में काम करना पड़ता था, जिसका उसका पारिवारिक जीवन भी काफ़ी गड़बड़ा जाता था। सोलर एनर्जी ने डीजल जनरेटरों से उठने वाले धुएं और शोर को बीते दिनों की बात बना दिया है। घरेलू काम और बुनकरी के दोहरे मोर्चे पर डटी यास्मीन जैसी महिलाओं की दिनचर्या अब आसान हुई है। सोलर के आने से टाइम की बचत हो रही है, और जो काम मतलब घर में इतना ज़्यादा होता है तो हम लोग को इतना मतलब दौड़ना नहीं पड़ता है, जैसे कि लाइट आया चला गया, अब इतना दौड़ना नहीं पड़ता। सोलर के आने से मतलब काम आसान हो गया है। सबसे बेहतरीन ये चीज़ है कि हम लोग का बिजली के बिल हम लोग 20,000 मंथ जमा करते थे, अब हमें 15,000, 14,000, 5-6,000, 7,000, 8,000 हम लोग हर महीने बिजली की बचत होती है। इससे सोलर सिस्टम से फायदा है।